हेलो फ्रेंड्स, आज मैं गॉर्डियन नॉट करने वाली हूँ। ये इस तरह से होता है और इसके लिए हमें इस टाइप की पैटर्न बनानी होगी। आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से और फिर इस तरह से हमारा ये धागा ऊपर की ओर आएगा। इस तरह क्रॉस करेंगे, इस तरह क्रॉस करेंगे। और यहाँ बीच में से सुई निकालेंगे और यहाँ नीचे तक जो हमारा दूसरा सर्कल है वहाँ तक, और इसे खींचेंगे। थोड़ा सा टाइट करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। और यहाँ से इसे सुई के ऊपर से धागा को पास करेंगे इस तरह से। फिर वापस इसी तरह से धागा को क्रॉस करके रखेंगे यूं। और यहाँ बीच में से नीचे की तरफ सुई निकालेंगे अगर आपको और बड़ा बनाना हो फ्लावर, तो आप एक और सर्कल बढ़ा सकते हो। सेम इसी तरह से पूरी प्रोसेस होगी। इसी तरह मैं पूरा सर्कल कंप्लीट करूँगी। आप अलग अलग सर्कल में अलग अलग लाइट डार्क शेड करके बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सेडेड ही धागा लिया है। इसी तरह मैं मेरा पूरा सर्कल कंप्लीट करूँगी। ये मेरा सर्कल यहाँ मैंने कंप्लीट किया।
इस तरह से। अब हम सुई यहाँ से ऊपर निकालेंगे और यही प्रोसेस हमें सेम करनी है, लेकिन हमें इस बार जो बीच में से निकालना है वो हम पहले राउंड की जो चेन है उसके बीच में से निकालेंगे यहाँ से। हमें ध्यान रखना है कि पहले ऊपर की जो हमारी चेन है उसमें से ही हम ये सेकंड राउंड की चेन को पास करें ताकि हमारी फ्लावर की कंटिन्यूटी बनी रहे। और हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं खींचना है, अब मैं बीच के लिए मैंने डार्क शेड लिया है और इसमें भी यही प्रोसेस करनी है। सेकंड राउंड की चेन में से हमें पास करना है ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपसे भी अच्छा बनेगा। ये मैंने बीच में 5 लिए हैं। आपका सर्कल बड़ा हो तो आपके ज़्यादा आ सकते हैं।
और ये मेरा रोज़ कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स ये बनने के बाद इस तरह का दिखेगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।